जी हाँ, SS राजामौली फाइनली देखने को मिलने वाले हैं एक और फिल्म के साथ। हालांकि हम जानते हैं कि अभी उनकी जो अपकमिंग फिल्म है वो हमें देखने को मिल रही है महेश बाबू के साथ, यानी महेश बाबू के साथ में SS राजामौली फिल्म बना रहे हैं। ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि देखिए, जब NTR और रामचरण के साथ जब उन्होंने काम किया था RRR में, उसके बाद से सुनने में आ गया था कि वो महेश बाबू के साथ फिल्म कर रहे हैं और वो फिल्म देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो फिल्म देखने को मिलने वाली है, SS राजामौली पूरी 10 फिल्मों की पूरी सीरीज़ बनाएंगे, एक तरह से 10 फिल्मों की सीरीज़ बनाएंगे जो कि महाभारत पर बेस्ड होगी। पूरी तरीके से महाभारत देखने को मिलने वाली है, लेकिन 10 अलग अलग फिल्मों में देखने को मिलेगी। जैसे सीरीज़ फिल्म की सीरीज एपिसोडिक सीरीज़ नहीं होगी, जैसा कि हम सीरीज़ नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम इन पर देखते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर फिल्म होगी, एक के बाद एक उसके सीक्वल्स आएंगे और पूरी 10 फिल्मों की होगी। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरीके से SS राजामौली का शेड्यूल अब पूरी तरीके से बिजी हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी फिल्मों को लेकर उनकी बातचीत चल रही थी अभी बीच में कि इस फिल्म को वो डायरेक्ट कर सकते, उस फिल्म को कर सकते हैं, या बॉलीवुड की इस फिल्म को डायरेक्ट करना चाहिए, उसको करना चाहिए। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला है, वो खुद ही के प्रोजेक्ट्स पे करने वाले हैं। जो महेश बाबू के साथ फिल्म आ रही है वो हमको आने वाले वक्त में देखने को मिल ही रही है, उसमें भी कोई बहुत वक्त बचा नहीं है, वो भी देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन उसके बाद कोई फिल्म है तो वो महाभारत पर काम करेंगे, वो 10 फिल्मों की सीरीज होगी। यानी आप ये समझ लीजिए, अगर वो 10 फिल्में बनेंगी तो आप मान के चलिए 15 साल से तो ऊपर उसमें लगने ही लगने, यानी वो 10 फिल्मों की महाभारत की सीरीज बहुत ही लंबी चलेगी। और हम सभी जानते हैं कि देखिए, आमतौर पर जब इतनी बड़ी सीरीज बनती है, ऐसी फिल्में बनती हैं, तो हमेशा ये कहा नहीं जाता कि पूरी 10 हम बनाएंगे, वो कहा जाता है कि पहले हम 1 या 2 फिल्म बनाएंगे, उसके बाद जो रिस्पॉन्स होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा आगे। लेकिन SS राजामौली की तरफ से ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंट, और हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार का डायरेक्शन करते हैं, जिस प्रकार से वो ऐतिहासिक चीज़ों को दिखाते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, सब बाहुबली सीरीज में भी उन्होंने दिखाया है, जिस प्रकार से वो क्रिएट करते हैं, मगध हीरा में भी अगर आप देख लें और कई सारी फिल्मों में, तो वो जिस प्रकार से ये हिस्टोरिकल चीज़ों को क्रिएट करते हैं वो बहुत ही बढ़िया ढंग से करते हैं। तो उनको पर पूरा विश्वास हो, 10 फिल्मों की जो पूरी सीरीज़ बनाएंगे जिसमें महाभारत, क्योंकि एक फिल्म में दिखाई जा ही नहीं सकती, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है महाभारत, बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो उनके साथ में देखने को मिलेगी 10 फिल्मों की सीरीज़ के साथ में, मज़ा आ जाएगा। SS राजामौली की महाभारत मच अवेटेड है ऑडियंस के लिए।